यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से बेहद घातक खबर आई है। सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से, रूस के हवाई हमले से ज़ापोरिज़्या के प्लांट में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कूलिंग को लेकर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उनको रिएक्टर्स को कूल करना बहुत जरूरी है। 18 जनरेटर के सहारे प्लांट को बिजली दी जा रही है, लेकिन ये कब तक दी जा सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ा खतरा भी है यूक्रेन सहित यूरोप के बहुत सारे देशों में। आइए इस पर एक और बड़ी खबर मैं दिखाता हूं आपको। ज़ापोरिज़्या से ही खबर है। ज़ापोरिज़्या अटैक पर यूरोपियन एक्सपर्ट्स ने एक दावा किया है, रिएक्टर कूलिंग सिस्टम प्रभावित हुआ तो तबाही तय। यह कहा है यहां पर यूरोप के एक्सपर्ट्स ने। उन्होंने कहा कि आधे यूरोप में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ेगा अगर ये रिएक्शन कूलिंग सिस्टम तबाह हो गया तो, क्योंकि एक बड़े स्तर पर बिजली की जरूरत होती है, पावर सप्लाई की जरूरत होती है इन रिएक्टर्स को कूल करने के लिए, और उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इस अटैक में। आइए जल्दी से, अभी जनरेटर से सप्लाई हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं पावर सप्लाई, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस लगातार अटैक कर रहा है। जल्दी से यहाँ पर दिखाते हैं आपको और क्या जानकारी से जुड़ी आ रही है। अब ये समझिए आप, यूक्रेन ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये क्रोनोलॉजी समझिए। यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या में यूरोप का और सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये वो पावर प्लांट है जिसके रिएक्टर्स को कूल करने के लिए बिजली की सप्लाई चाहिए और वो ठप हो गई है। जनरेटर से वहां पर अभी दिया जा रहा है, पावर सप्लाई ठप होने से वहां पर पावर सप्लाई रुकी है। और ये बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात है, ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में पावर सप्लाई ठप होना, क्योंकि पावर सप्लाई ठप होने से वहां मेन पावर स्टाफ पावर स्टेशन तबाह होने से पावर सप्लाई रुकी है, जो कि रूसी हमले में यह तबाह हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर प्लांट का पावर सिस्टम से आखिरी लिंक भी कट गया। 18 जनरेटर्स की मदद से प्लांट को एनर्जी यानी ऊर्जा दी जा रही, बिजली दी जा रही है। प्लांट में सिर्फ 10 दिनों के संचालन का डीजल बचा हुआ है। तो क्या यूरोप में किसी रेडिएशन का खतरा है, क्या चेर्नोबिल 2.0 का खतरा है? आइए जरा इस पर बात करते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ापोरिज़्या, यहां पर कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं? 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बिजली सप्लाई जरूरी क्यों है? क्योंकि रिएक्टर्स को कूल रखना है, उनकी कूलिंग के लिए रिएक्टर्स की बहुत जरूरत है। रिएक्टर्स की कूलिंग पर असर पड़ा तो रेडिएशन लीकेज का खतरा है। और फिर यह बहुत बड़ा सवाल है, रेडिएशन फैला तो पूरे आधे यूक्रेन और आधे यूरोप में तबाही तय है। सवाल यह है कि ज़ापोरिज़्या आपको हो क्या है, मनीष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये ज़ापोरिज़्या में क्या रूस को नहीं पता है कि यूक्रेन को नहीं पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इन दोनों के ऊपर इसका असर आ सकता है? फिर भी वहां पर इस तरह का अटैक, अब वहां पावर सप्लाई तक नहीं है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। बिल्कुल, देखिए पता तो दोनों पार्टी को है, बस यह है कि दोनों ने नासमझी की जिद पकड़ रखी है, और शायद इसका परिणाम है कि दुनिया एक बड़े से खतरे की तरफ आगे बढ़ रही है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रूसी हमले की वजह से हो, क्योंकि तो यूक्रेन की तरफ से भी उस पावर प्लांट को, न्यूक्लियर प्लांट को कई बार निशाना बनाया गया है। और मैं तो शायद उसका रूस ही कब्जा है उस पर, यूक्रेन तो बाहर है शायद, ऐसा नहीं? देखिए सेलिंग तो हो रही है ना, सेलिंग तो उस जगह पर हो ही रही है, टारगेट हो रही है। कई बार जो वहां पर कूलिंग प्लेस है वहां उसको टारगेट करके यूक्रेन ने भी सेलिंग किया, लेकिन बात यहाँ रूस और यूक्रेन की नहीं है। जब रिएक्टर से लीकेज होगा तो उसके बाद तो फिर कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये रूसी लोग हैं, ये यूक्रेन के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं। तो एक बड़ी तबाही उस जगह हो सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब तक अगर वहां पर इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि रूस की तरफ से बहुत संयम दिखाया गया है। मैं एक बार इस बारे में जनरल मोर से भी बात कर लेता हूँ। जनरल मोर, आपका क्या असेसमेंट है, जब ये आर्म फोर्सेस जाती हैं कभी किसी वॉर जोन में तो उनको क्या कोई चेकलिस्ट दी जाती है कि देखो इस जगह अटैक मत करना वरना हम पे भी खतरा आ सकता है? रूस को भी बखूबी मालूम होगा कि ज़ापोरिज़्या रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशन लीक होता है, रिएक्टर कूल नहीं रह पाते हैं, तो इसका असर तो उनकी फोर्सेस पर भी आएगा, उनके अपने बच्चों पर भी आएगा। एब्सोल्युटली गौरव, आपने बहुत सही सवाल उठाया। नेबरिंग कंट्रीज के, इवन इंडिया पाकिस्तान, इतने हमारे, हमने जंग लड़ी है उनके साथ, लेकिन 1 जनवरी को हम अपनी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट एक दूसरे को जो है सौंपते हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी जाहिर होता है, और ये वॉर के अंदर बहुत क्लियर है कि ये जो इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़े डैम्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको एक दूसरे के जो है अटैक नहीं करेंगे, बिकॉज एक बार इन पे अटैक शुरू हो गया तो जो विनाश हो सकता है वो दोनों का ही नुकसान हो सकता है। और इसको मुझे नहीं लगता कि रशिया ऐसा काम करेगा कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को डायरेक्टली हिट करे,
और वैसे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, छोटे मोटे सबोटाज से या उससे रिएक्शन लीक नहीं हुआ, क्योंकि चेर्नोबिल के बाद दुनिया काफी सचेत हो चुकी है जी। तो मुझे लगता है कि ये होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो लड़ाई बिल्कुल एक ऐसे दौर में पहुंच जाएगी, आप और मैं गेस नहीं कर सकते। अगर रेडिएशन लीक होगा तो नेटो उसको कैसे लेगा, रशियन लोगों पे क्या असर होगा, बेलारूस के लोगों पे क्या असर होगा। सो ये काफी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो जाएगी और मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। तो इसको लेकर अंबेसडर मल्होत्रा, कोई बैक द चैनल दोनों देशों के बीच बात भी हो सकती है क्या इसको लेकर? देखिए गौरव, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये खुशी की बात यह है कि दोनों तरफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो न्यूक्लियर मामलों की वॉचडॉग मानी जाती है उसको इन्वॉल्व भी किया गया है, उसे अलाउ भी किया गया है, उसे इंस्पेक्शन भी करने की इजाजत है। और मुझे लगता है कि आई मीन डेफिनेटली कोई बैक चैनल से बात भी हो रही हो इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि दोनों तरफ से यही कोशिश रहेगी ज़ापोरिज्हिया प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचे कि जिससे रेडिएशन हो, क्योंकि एक बार रेडिएशन हो गई तो फिर जैसे मनीष ने भी बोला वो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वहां कि भाई तो सर जिधर हवा बही उधर रेडिएशन बहा, फिर आप यूरोप देखिए, रूस देखिए, यूक्रेन देखिए, कुछ पता नहीं चलेगा, फिर वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।